मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मानसिक बीमारियां अगर आपको हैं या जिंदगी भर उनसे बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद का एक छोटा नियम पालन करते रहिए कि रात को जब सोए तो सूर्य की दिशा में सिर रखिए, पूर्व दिशा में सिर करके सोइए, और कोई बहुत मजबूरी आ जाए तो दक्षिण दिशा में कर लीजिए, उत्तर और पश्चिम को हमेशा छोड़िए। सोने के लिए नहीं है ये उत्तर और पश्चिम की दिशा, पूजा करने के लिए है, अध्ययन करने के लिए है, सोने के लिए तो पूर्व और दक्षिण। जितने दिन आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते रहेंगे कभी भी आपको मानसिक बीमारियां नहीं आएंगी, और कम से कम नींद नहीं आने की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी छोटी सी बात है, हम कर सकते हैं, अपने घर के बेड की दिशा बदल दीजिए, आज ही चेंज कर लीजिए। अगर बेड आपका फिक्स है तो उसको आज चेंज कर लीजिए, नहीं तो जमीन पे सोए तो फ्लेक्सिबल है, जब चाहे दिशा बदल सकते हैं। कि जब भी आप विश्रांति लें, सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे, सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे, और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण, दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं, कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है, सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है संस्कार विधि, उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो। क्यों? कारण उसका बिल्कुल साफ है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है, इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे काम करता है? पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्वाकर्षण के लिए। सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है। आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया, तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा, क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं, मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है, पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ, तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई, तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे रबर खींचती है ना, इलास्टिसिटी, ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे, और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। ये विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। नींद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बाहर, भोजन अच्छा है, नींद अच्छी है,
और क्या चाहिए। अपूर्व क्या है? पूर्व जो है ना न्यूट्रल है, ना तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे तो आसानी से नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। पश्चिम का आप पूछेंगे जी, पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है, बागवत जी मौन है उस पर, कोई एक्सप्लेनेशन देकर नहीं गए हैं, और आज का साइंस भी लगा हुआ है, कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रेषित करूंगा पश्चिम के बारे में। सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पश्चिम पर, वास्तु वालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से जो सूत्र मैं बात कर रहा हूं, वो रिसर्चेस पश्चिम पर कम हुई है। अब इसके आगे का सूत्र और भी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो वो कहते हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और मेरे जैसे लोग जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं, इन सबको पूर्व में ही सिर करना हमेशा। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप अपना याद रखो, मैं मेरा याद रखता। अच्छा, आज के लिए इतने ही सूत्र, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है का आपने, सिर के लिए हाँ। तो शरीर की खिंचाई होती है, तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ फेसिंग जरूर सुलाइए ताकि उनकी हाइट बढ़े? जरूर सुलाइए। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है, आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए, थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारे भागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए। मॉडर्न साइंस में ना चित्त है ना मन है, वो ब्रेन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। माइंड अलग है, मन अलग है, ब्रेन अलग है, चित्त अलग। तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तो शायद इसी के लिए हमारे देश में ये है कि भजन करें खाने के पहले, या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले, तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी। और एक सूत्र बहुत महत्व का, दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।